लॉकडाउन में हरियाणा दिल्ली में फंसे मजदूरों की श्रमिक ट्रेन दिल्ली से छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनको बसों से उनके घर भेजने का इंतजाम किया गया। करीब 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें छतरपुर जिले के अलावा पन्ना, टीकमगढ़ और सतना के मजदूर थे, जिन्हें 50 बसों के माध्यम से उनके जिलों में भेजने की व्यवस्था प्रशासन ने की। ट्रेन से उतरकर मजदूरों के पहले स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद उन्हें लंच पैकेट देकर बसों से भेजा गया, जहां वे अपने जिले में जाकर घर पर 14 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद भिवानी से 1228 मजदूर लेकर एक अन्य श्रमिक ट्रेन छतरपुर पहुंची, जहां सभी मजदूरों की जांच कर उनके घरों तक प्रशासन द्वारा भेजा गया। जो हमारे पास लिखित में जानकारी आई है कि 1190 मजदूर हैं, जो कि सभी छतरपुर से बिलोंग करते हैं, पर ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कि पन्ना और सतना के भी हैं, वह भी इस पर आए हैं। जो फाइनल आंकड़ा है वो तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी तब पता चलता है। पुलिस के द्वारा समुचित सुरक्षा बल प्रदाय किया गया है एवं सुबह से पेट्रोलिंग हो रही है। स्वयं SP साहब, एडिशनल SP साहब भी यहाँ पे प्रस्तुत होकर सुरक्षा की सब पुख्ता इंतजाम देखे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।